ये कहानी है एक सुपर हीरो फैमिली। सारे सुपर हीरोस एक से बढ़कर एक। हीरो नंबर वन सुपरमैन, द मिडिल क्लास इंडियन फादर। एक सुपरमैन को टेंशन है कि यार दुनिया को बचाना है, और दूसरे को टेंशन है कि भाई किसी भी तरह कैसे भी कहीं से भी पैसों को बचाना है। एक सुपरमैन लाल चंदन फैलाकर उड़ जाता है, दूसरा सुपरमैन कहता है उड़ो मत, जितनी चंदन हो उतने पैर फैलाओ। हीरो नंबर टू वंडर वुमन। अरे अपनी मम्मी यहां, अब देखो वंडर वुमन ने आज तक कभी किसी से हार नहीं, तो अपनी मम्मी अगर किसी से कम है। अरे दुनिया में किसी भी दुकान में वो बार्गेन करे और विजयी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे सब्जी वाले से हर रोज 12 रुपए कम करवाना और ऊपर से धनिया मिर्च फ्री ले लेना कोई मजाक नहीं है। हिम्मत तो करके देख लो। हीरो नंबर थ्री कैप्टन अमेरिका, घर का पहला बेटा। अब पहला है तो हर बात में फर्स्ट है, अपने क्लास में फर्स्ट, खाना खाने से लेकर निकालने तक हर प्रोसेस में फर्स्ट, टूथपेस्ट से लेकर टीवी के रिमोट तक हर चीज पर उसका पहला हक। एंड आई एम लाइक व्हाट द फर्स्ट। अब इतने सारे सुपर हीरोज हैं तो एक विलन भी तो होना चाहिए कि नहीं भाई? तो है ना। इस कहानी का विलन है इस घर का छोटा बेटा, मिस्टर याकिचू। ब्रो ये कैसा टेढ़ा नाम है यार। जितना टेढ़ा नाम है ना उतना ही टेढ़ा बनता है। उसको लगता था कि वो इन सबसे बेटर है। वो सोचता था कहां ही डाउन मार्केट मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गया, उसके हिसाब से वो किसी टाटी बिरले के घर में पैदा होना चाहिए। मिस्टर याकिचू की लाइफ का एक ही मकसद था, सबके सामने कूल दिखना। फिर चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े या शॉर्टकट लेने पड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता। He just wanted to be cool. और बताओ उसकी सुपर पावर क्या थी? सबसे तेज भाग, हमेशा हर चीज से भागता था, प्रॉब्लम से, सच से, जिम्मेदारी से, खुद अपने से और अपनों से। और भागते 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 सब अपनों को पीछे छोड़ दिया और कूल बनने के चक्कर में अपने दोस्तों का दिल तोड़ दिया। फिर लाइफ ने मारा ऐसा चाटा कि भाई साहब के सामने छा गया सन्नाटा। जब गिरा तो उठाया किसने? किसने? अपने हीरोज ने। जब हीरोज ने हाथ बढ़ाया तो इस बेवकूफ को समझ आया कि जब अपनों का साथ हो तो जीरो भी हीरो बन जाता।